हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस विद पारुल। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट ढूंढने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुजोक थेरेपी में हाथ है वो हमारा पूरा बॉडी समाये हुए है। डायबिटीज़ में क्या होता है, जब इंसुलिन घट जाता है तब डायबिटीज़ बढ़ जाता है। तो इंसुलिन बढ़ाने के लिए हमें पैंक्रियास का पॉइंट है उसको हम एक्टिवेट करेंगे, इंसुलिन ज़्यादा पैदा होगा तो डायबिटीज़ के लिए वो फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा हेड है, ये चेस्ट है और ये एब्डोमेन है। अभी हम पैनक्रियास का स्थान लोकेट करेंगे। तो ये जो नाभि बिंदु है उसकी लेफ्ट साइड में पैनक्रियास होता है, स्वादुपिंड। तो एक्यूप्रेशर टूल जिमी की हेल्प से यहाँ पे 2 मिनट तक हम ऐसे प्रेशर देंगे। 2 से 5 मिनट तक हमें प्रेशर देना है, मसाज करना है। अभी हम ये राजमा लेंगे, राजमा के दाने हैं, तो ये लेके हम इसको पट्टी पे लगाएंगे। और इस दाने को हमें स्किन के कांटेक्ट में रहे ऐसे लगाना है, ऐसे। इससे पैनक्रियास एक्टिव होता है, एक्टिवेट होने से इंसुलिन भी ज़्यादा निकलेगा। तो इंसुलिन ज़्यादा निकलने से डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अच्छे से बेनिफिट मिल सकता है। इसको हमें दबाते रहना है, हर घंटे 2 से 5 मिनट दबाते रहना है। दिन में अगर आप इसको लगा के रखते हो तो 5-6 घंटे से 8 घंटे तक आप इसको लगा के रख सकते हो। हमें ये सीड को दूसरे दिन रिमूव कर देना है और दूसरा दाना नया लेके नई पट्टी लगानी है। इससे क्या होता है कि ये जो है उसमें एक एनर्जी पावर होता है और वो एनर्जी पावर ख़त्म हो जाने से नया सीड लगाना ज़रूरी है। तो इसलिए हम ये नया सीड लगाएंगे दूसरे दिन। तो दोस्तों, हमने देखा डायबिटीज़ के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। आप भी इस पॉइंट को एक्यूप्रेशर कीजिए और रिलीफ पाइए। आई होप यू लाइक माय हेल्थ टिप्स। तो ऐसे ही कुछ नए हेल्थ टिप्स के साथ हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।